वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड ट्रिक टू के बारे में। ये वीडियो आपके इम्पॉर्टेंट सभी के लिए है, चाहे कोई ICMR के लिए प्रिपेयर कर रहा है, CSIR के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या JNU के लिए। अभी JNU का एग्ज़ाम है, आप देखेंगे कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में। तो आज हम जो ट्रिक के बारे में बात करेंगे, वो हम प्लेज़ोइक इरा की जो ट्रिक्स बनेंगी हम उनके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में जब हमने प्लेज़ोइक इरा को देखा था, वो एक ट्रिक के ही थ्रू देखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, तो उसी वीडियो की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लेज़ोइक इरा में जो है आपके 8 पीरियड्स होते हैं, लेकिन कई जगह पर आपको कन्फ्यूज़न मिलता है 6 है या फिर 7 है, तो आपको कन्फ्यूज़न रहता है। तो उस कन्फ्यूज़न को भी हम देखेंगे कि वो कन्फ्यूज़न होता क्यों है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ से ही ये जो आपका पहला पॉइंट है वीडियो का, ये आपका एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हर एक एग्ज़ाम में जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के क्वेश्चन में हेल्प करेगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पीरियड के ऊपर पूछा जाता है, और अगर कोई आपका जो पैलेज़ोइक ईरा का पीरियड है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको लास्ट में IAN मिलेगा। ये आप एज एन सफिक्स यूज़ करेंगे, इसको फाइंड आउट करना है आप जब भी आप ऑप्शन में देखें, क्वेश्चन में देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन 8 पीरियड्स में क्या इवेंट हुए थे। अगर आपको ऑप्शन में कोई पीरियड मिलता है जिसके पीछे IAN है और आपको इवेंट का पता है, तो वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए आइडेंटिफाई करना। तो 8 जो पीरियड्स हैं यहाँ पर, 8 पीरियड्स हैं, उनके लास्ट में आपको IAN मिलेगा। आप चेक भी करेंगे आने वाली वीडियोज़ में जब उनके नाम आएंगे। तो एक ट्रिक है, एक वर्ड है जो मैंने स्पेसिफिकली जो है आपका बनाया है, जिससे आपको अच्छे से याद रह सके। यहाँ पर है, वंदना केम ट्राई ओरिजिनल फर्स्ट फिश साइलेंसली डेवलपिंग कार्बोनाइज प्लांट। हो सकता है आपको पहली बार सुनने में अटपटा सा लगे, लेकिन ये जो आपकी ट्रिक है, इसका बेनिफिट क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको जो 8 के 8 पीरियड्स हैं वो याद रहेंगे, उसके साथ साथ जो इवेंट्स हुए हैं उनको लिंक करा गया है, क्योंकि 8 पीरियड्स के लिए ट्रिक बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उनके जो इवेंट हुए हैं उनको साथ लेकर जब हम ट्रिक के बारे में सोचते हैं तो एक टिपिकल काम हो जाता है। तो वंदना की जगह यहाँ पर आप कोई और किसी और का नाम डाल सकते हैं, विनोद डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो वंदना केम, दैट मीन्स समवन इज कॉलिंग वंदना, वंदना केम ट्राई ओरिजिनल फर्स्ट फिश साइलेंसली डेवलपिंग कार्बोनाइज प्लांट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इवेंट्स पता लग जाएंगे, और ये आपको ट्रिक जो है ये नोट कर लेनी चाहिए। आई सजेस्ट यू टू नोट दैट ट्रिक, क्योंकि ये आपकी बहुत काम आने वाली है। हमको बार बार इसी स्लाइड्स पर आना पड़ेगा इस ट्रिक को देखने के लिए। तो सबसे पहले आप जो ये अंडरलाइन देख रहे हैं यहाँ पर, वंदना के नीचे का VEND के नीचे है, केम में देखेंगे तो CAM के नीचे है, OR के नीचे है, तो ये सब आपको जो है ये आपको पीरियड्स बताते जा रहे हैं। आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, लेकिन मैंने आपको जो पहली स्लाइड में बताया था वो 8 बताया था, या मैंने कहा था कि आपने 8 या 6 में कन्फ्यूज़ होंगे, तो अभी यहाँ 7 है, लेकिन वीडियो एंड तक ये आपको पता लग जाएगा कि ये 8 कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले पीरियड पर आते हैं, डेट इज वेनेडियन। वेनेडियन से आपको यहाँ से वंदना जो मैंने लिखा था, आई होप स्पेलिंग ठीक है या गलत है, बट वंदना आप लिख सकते हैं या किसी और का नाम लिख सकते हैं। तो वेनेडियन में आप देखेंगे तो VEND हमने यहाँ से लिया है, दिट इज नोन एज प्री कैम्ब्रियम, क्योंकि इससे अगले आने वाला जो पीरियड है वो आपका कैम्ब्रियम है, इसलिए इसे प्री कैम्ब्रियम कहा जाता है। जनरली ये दिया नहीं जाता है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं, इसलिए आपको 7 या 6 मिलते थे, एक तो यहीं आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपको मिलता नहीं है ये, कई जगह आपको ये लिखा हुआ ही नहीं मिलता है प्री कैम्ब्रियम ये सब। इसमें क्या हुआ था, आपका सी लेवल राइज हुआ था और सॉफ्ट बॉडी फोनास जो थे उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है तो बस इसे प्री कैम्ब्रियम के नाम से पूछा जाता है, या सी लेवल राइज और सॉफ्ट बॉडी फोनास डेवलपमेंट के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम आते हैं, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैं कहूँ वीडियो का पॉइंट स्टार्ट होता है वो आपका केम से होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए 6-7 की वेनेडियन को ऐड करना पड़ा था। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, तो कैम्ब्रियन। अब आप जब कैम्ब्रियन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैम्ब्रियम का,
यहाँ पर केम लिखा था पिछली वीडियो में जब आप देख रहे थे, जो यहाँ पर था ये केम लिखा था ट्रिक के लिए, और यहाँ पर जो है कैम्ब्रियम से उसको लिंक किया गया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ट्राई, वंदना केम ट्राई ओरिजिनल फर्स्ट फिश, तो ये आपकी ट्रिक थी। तो केम आपको यहाँ पर मिल गया, और जो ट्राई मैंने लिखा था यहाँ पर, जो ये आपको ट्राई दिख रहा था, ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप यहाँ पर इसे रिलेट कर पाएँ इस चीज़ से कि जो ट्राई है ये आपका रिलेट करता है ट्राइबोलाइट के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ट्राइबोलाइट के साथ किस तरह से इसका लिंक लगाते हैं। तो कैम्ब्रियम आपका फर्स्ट जो था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कैम्ब्रियम को लेके कि इसमें ट्राइबोलाइट से आपको रिलेट करना है। तो वंदना केम ट्राई फर्स्ट फिश, ये आपकी ट्रिक का स्टार्टिंग का था। तो प्री कैम्ब्रियम में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ था, मास एक्सटिंक्शन हुआ था, बहुत सारा मास एक्सटिंक्शन हुआ था वहाँ पर। और कैम्ब्रियम एक्सप्लोजन जो हम इस पार्ट में बात करें, तो कैम्ब्रियम एक्सप्लोजन और प्री कैम्ब्रियम मास एक्सटिंक्शन। एक्सप्लोजन से मतलब यहाँ पर क्या है, जब भी हम कहते हैं तो हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो रही है, इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाइना की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक्सप्लोजन कुछ इसी तरह का था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। यहाँ पर आपके बहुत सारे इनवर्टिब्रेट जो थे वो एनिमल्स आपके आने लगे थे, तो मैनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव एनिमल्स। और ये जो एनिमल्स थे आपके ओशियन में थे। पिछली स्लाइड में जब मैंने कहा था सी लेवल राइज हो रहा है, तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो है ओशियन में ही आपके स्मॉल इनवर्टिब्रेट आएंगे। तो मैनी टाइप ऑफ प्रिमिटिव एनिमल्स कॉल्ड स्पॉन्ज इवॉल्व, और इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कैम्ब्रियम में क्या हुआ था। तो इसको मैंने मेन क्वेश्चन जो बनता है वो आपका ट्राइबोलाइट से बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेंट हुए थे वो आपके ट्राइबोलाइट हुए थे और मोस्ट अबंडेंट हुए थे। और जब ये आपके आठ पीरियड्स, जब ये स्लाइड्स ख़त्म हो जाएंगी, आपको लास्ट में क्या मिलेगा, ये जो ट्राइबोलाइट अभी डोमिनेंट है ये आपके एक्सटिंक्शन में चले जाएंगे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो आपके ट्राइबोलाइट हैं वो आपके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स विदाउट ए बैकबोन, आई होप यू नो डैट बट आई एडिड इट, तो ये आपका रहता है। तो ट्रिक पर जब हम चलें, तो वंदना केम हमने देख लिया था, वंदना का प्री कैम्ब्रियम आपका एक्सप्लोजन, सी लेवल राइज, सॉफ्ट बॉडी फोनास डेवलप, और केम में आपका कैम्ब्रियम हमने देखा था, और ट्राई को हमने रिलेट किया था इसके साथ, दैट मीन्स देर इज ट्राइबोलाइट आर डोमिनेंट देयर। अब हम जब बात चलते हैं ओरिजिनल की, तो ओरिजिनल में आपका ओआर से पीरियड स्टार्ट होगा और फर्स्ट फिश वहाँ पर आपकी जो है इवॉल्व होगी, वहाँ पर जनरेट होगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम चलते हैं ऑडोविशन में, उसका हमने बात किया था ओआर को लेकर। तो जब आपने ओडोविशियन ओरिजिनल से हमें लिया था, यहाँ पर आपका जी ओर आएगा, तो ओरिजिनल से हमने लिया था ओरिजिनल फर्स्ट फिश। ट्रिक को मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वंदना केम ट्राई ओरिजिनल फर्स्ट फिश। तो फर्स्ट फिश आ गया आपका, ओरिजिनल आ गया। अब ओरिजिनल को आपको ओडोविशियन मिल गया, अब द ओशियन फिल्ड विद इनवर्टिब्रेट ऑफ मैनी टाइप्स। जनरली पीरियड की मैं आपको एक खास बात बता दूं, जो भी आप इवॉल्व देखते हैं, जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि इनवर्टिब्रेट इवॉल्व हुए हैं, तो यहाँ पर उनका नंबर बढ़ना ही बढ़ना है और कुछ टाइम बाद वो एक्सटिंक्ट होंगे, लेकिन अगले पीरियड में उसका नंबर हमेशा ही बढ़ता आया है, और इसलिए इसे यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और डेट इज़ नोन एज एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, यानी जिनकी बैकबोन नहीं है, स्मॉल ओशियन वाले अभी एनिमल्स हैं, तो ये आपकी जो है एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। और यहाँ पर ओरिजिनल फर्स्ट फिश, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने स्पेशली ट्रिक में फर्स्ट फिश को मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट फिश इवॉल्व हुई थी, और इसके साथ साथ इवॉल्व हुए थे आपके जो प्लांट्स हैं जो कि आपके लैंड पर पहली बार आए थे, और जबकि एनिमल्स थे वो अभी तक आपके पानी में ही अपना सर्वाइवल कर रहे थे। तो ओडोविशियन ओरिजिनल को आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ों से, आपकी फर्स्ट फिश ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नहीं, और उसके बाद आपका फर्स्ट लैंड प्लांट।
इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पर ओरिजिनल को चूज किया था, दैट इज रिलेटिंग टू ओडोविशियन फर्स्ट फिश एंड ओरिजिनल प्लांट एंड फिश, और इसे हम एज ऑफ इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। तो ये आपकी ट्रिक थी ओडोविशियन के लेकर। तो अभी तक हमने तीन पीरियड्स को कवर कर लिया है, फिर से हमें एक बार ट्रिक पे जाना होगा। वंदना केम, तो वंदना से हमें देख लिया, केम से हमें कैम्ब्रियम देख लिया, ट्राइबोलाइट डोमिनेंट हुए। ओरिजिनल पर जब हम आए तो ओरिजिनल में क्या हुआ, आपको फर्स्ट फिश मिल गई, आपका फर्स्ट लैंड प्लांट मिल गया। इसमें हमें एज ऑफ इनवर्टिब्रेट यानी का उनका जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो बढ़ते गए, और इसे हम एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कहते गए। अब यहाँ पर जो वर्ड है साइलेंसली, इसका वर्ड यहाँ पर मैंने क्यों किया है ट्रिक में, इसको आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको एज नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर सब साइलेंटली ग्रो होना है, जो आपको पिछली वीडियोस में आपको मिला था। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ आपका साइलेंटली ग्रो होना है। सुलेरियन, आपका SIL आपने देख लिया साइलेंसली से, तो सुलेरियन में आप देखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो आप IAN आई थिंक आप नोट कर रहे होंगे, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि जो IAN है आपको हर पीरियड के लास्ट में मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, पिछली वीडियो में पिछली साइड में आपकी फर्स्ट फिश जो थी वो इवॉल्व हुई थी, यहाँ पर आप फिश डेवलप करना स्टार्ट करेगी साइलेंटली, चुपचाप या और कंटिन्यूस कह सकते हैं। साइलेंटली यहाँ पर अगर यूज़ करा है, साइलेंसली यूज़ करा है या साइलेंटली, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, तो वो आपका ग्रो करना स्टार्ट करेगी। कोरल्स अपीयर्ड होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट लैंड प्लांट फॉसिल, पिछली साइड में था लैंड प्लांट्स अपीयर हुए थे, और इसमें आपका फॉसिल्स जो हैं वो आने स्टार्ट हो गया। और डेवलपमेंट जो हुई प्लांट्स में वो क्या हुई, जो वस्कुलर प्लांट है वो अपीयर्ड हुए। वस्कुलर मतलब उनमें जो जाइलम और फ्लोएम का सिस्टम था, वाटर और फूड पहुंचाने का जो सिस्टम था वो आपका उनमें डेवलप हुआ, जिसकी वजह से इनका जो साइज था वो आपका लार्ज होता गया, क्योंकि अब ये कहाँ पर आ गए थे, आपके लैंड पर आ गए थे आपके प्लांट, और इस वजह से लैंड पर आने की वजह से इनमें जो है वास्कुलर जो सिस्टम था वो आपका अपीयर हुआ। तो सिलेरियन में आप देखेंगे कुछ आपको ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जो क्वेश्चन है आपका फोजिल से रहता है हमेशा ही, और वास्कुलर प्लांट से रहता है। ये दो जो ब्लू कलर में आपको स्काई ब्लू कलर में जो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं हाईलाइटेड, यही क्वेश्चन आपका सिलेरियन से रहता है, बाकी सब इसमें साइलेंटली हो रहा है। फिश ग्रो कर रही है, कोरल्स अपीयर हो रहे हैं, वास्कुलर प्लांट अपीयर हुआ, और फर्स्ट लैंड प्लांट, इसलिए मैंने इसका नाम साइलेंसली दिया है, ट्रिक में यूज किया है। नेक्स्ट इज द वर्ड साइलेंसली डेवलपिंग। अब डेवलपिंग को क्यों यूज किया है उसको हम देखेंगे। तो डेवलपिंग में आपका सब कुछ डेवलप हो रहा है, सब कुछ आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा। तो डेवोनियन जो था पीरियड का नाम था आपका, और डेवलप क्या क्या हो रहा है आपका, आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो फर्स्ट सीड प्लांट था वो यहाँ पर डेवलप हुआ है, और फिश में लॉ विंग्स आपके डेवलप हुए हैं, और इसके साथ साथ क्या डेवलप हुआ है, आपका ब्रीथिंग का सिस्टम था वो डेवलप हुआ है। तो ये तीन पॉइंट्स थे जो आपके डेवलपिंग को लेकर थे, और डेवोनियन को ही हम क्या कहते हैं, एज ऑफ फिशेस कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन बनता है डेवोनियन पीरियड को लेकर, एज ऑफ फिशेस कहाँ से आता है आपका, डेवोनियन से आता है। इसलिए मैंने आपको कहा था जैसे ही पिछले पीरियड में कोई एनिमल कोई भी इवॉल्व होगा, नेक्स्ट पीरियड उसका वो एज का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इवॉल्व करते हैं और उनका रिप्रोडक्शन बढ़ता है, उनके नंबर्स बढ़ते हैं। तो फिश विद लो फिन्स इवॉल्व। एक और बात, यहाँ पर जो ब्रीथिंग का सिस्टम था वो, फिश अभी तक वाटर में ही थी, लेकिन जब ब्रीथिंग का सिस्टम आया, जैसे आप मूवीज में देखते हैं फिश या डॉल्फिन्स दिखाते हैं वो पानी से बाहर आती है, उस टाइम पर वो कैसे ब्रेथ करती हैं वो इम्पोर्टेंट था। तो उसका मैकेनिज्म वहाँ पर डेवलप हुआ, ब्रेथ एयर व्हेन राइज हेड अबव द वाटर, जब भी फिश पानी से बाहर जा रही थी अब उसने ब्रीथिंग जो है आपका स्टार्ट कर दिया था। और इसी से हम कह सकते हैं कि आने वाले जो पीरियड्स हैं वहाँ पर एनिमल्स लैंड पर आ जाएंगे, क्योंकि अब तक प्लांट्स सिर्फ लैंड पर आए थे, अब बारी थी एनिमल्स के लैंड पर आनी थी, यानी अब रेप्टाइल्स आपके आने वाले हैं आने वाले पीरियड्स में। तो फिश विद लो फिन्स इवॉल्व, ब्रेथ हुआ और हेड अबव आया। तो यहाँ पर इवॉल्व हुआ था, डेवलप हुआ था फर्स्ट सीड प्लांट का,
अब जब आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट जो प्लांट हैं वो सीड वाले ही दिखते हैं। अब प्लांट्स आ गए थे लैंड पर, तो अब नेक्स्ट में क्या होने वाला है आप खुद बता देंगे। हर जगह प्लांट ही प्लांट होंगे तो आपके फॉरेस्ट बन जाएंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। ये जो फिशेस दैट इज डेवोनियन फिश इवॉल्व हुआ, सीड प्लांट डेवलप हुए और आपका ब्रीथिंग सिस्टम डेवलप हुआ, दैट्स वाई आई कनेक्टेड इट टू डेवलप्ड वर्ड डेवोनियन। अब पीछे से एक बार फिर हमें स्लाइड पर जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पर रिवाइज करते हुए चल रहे हैं बार बार। वंदना, प्री कैम्ब्रियम सी लेवल राइज सॉफ्ट बॉडी फोनास डेवलप। कैम्बियम में क्या हुआ था, आपका जो था प्री कैम्बियम आपका एक्सटिंक्शन हुआ, फिर आपके ट्राइबोलाइट्स आए, इनवर्टिब्रेट्स आए और ये आपका इम्पोर्टेंट रहा। ओरिजिनल में देखेंगे, ओरिजिनल फर्स्ट फिश इसे हमने कहा था एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, फर्स्ट फिश डेवलप हुई थी, फर्स्ट लैंड प्लांट डेवलप हुआ था यहाँ पर फर्स्ट फिश से। साइलेंसली में देखा था हमने फिश ग्रो करी थी और हमने इसे एज ऑफ फिशेस कहा था सिल्वेरियन को, और यहाँ पर फर्स्ट लैंड प्लांट का फोसिल भी मिला था। डेवलपिंग में अभी हमने देखा है फिश डेवलप हुई थी यहाँ पर, और इसके साथ साथ आपका जो लैंड पे जो सीड वाले प्लांट थे वो आना शुरू हुए थे, ब्रीथिंग मैकेनिज्म आपका डेवलप हुआ था। अब आ जाते हैं कार्बोनाइज्ड पे, तो यहाँ पर जो कार है इससे आप बहुत कुछ रिलेट से कर सकते हैं और कार्बोनाइज से आपका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब कार्बन वर्ड हम यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ बायोकेमिस्ट्री की चीज़ें आती हैं, कुछ आपकी फिजिक्स की चीज़ें आती हैं जैसे कार वगैरह। तो यहाँ पर कार्बोनिफेरस जिनसे कार्बन बन सकता है, तो यहाँ पर आपके 6-8 का कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। 6-8 और या मैं कहूँ आपके 7 का जो कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर होने वाला है। वो क्यों होने वाला है, क्योंकि कार्बोनिफेरस यहाँ पर आपने देखा IAN नहीं आया, और IAN आपका यहीं पर आया है मिसिपियन और पेनिसिविलियम में। तो ये आपके दो पीरियड्स हैं जो आपके कार्बोनिफेरस पीरियड्स कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर कौन कौन से आपके दो पीरियड हैं, दैट इज मिसिपियम एंड पेनिसिविलियम। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने बोला था कि अब सीड प्लांट आ चुके हैं, अब प्लांट आ चुके हैं तो अब क्या बनना है, सीड से आप प्लांट उगाते जाएंगे या कोई भी मेथड हो सकता है, तो अब फॉरेस्ट का बनना तय है। और जब फॉरेस्ट होंगे उसके बाद क्या हुआ था आपका इवेंटुअली जो हम कहते हैं अर्थ के कंडीशंस चेंज हुई थी और सब कुछ दब गया था, फिर आपका कोल बन गया था, मीन्स कोयला जिसे हम आज तक माइंस से निकाल रहे हैं। तो कार से आप अंदाजा लगा सकते थे कि कार्बन कुछ प्रोड्यूस होगा, कार्बोनिफेरस कार्बन प्रोड्यूसिंग वाले, और आपका कोल जिससे हमें बिजली मिल रही है और सब काम चल रहा है दैट इज ऑफ कोल, वो आपका हूज फॉरेस्ट जो थे वहाँ पर उनका इवेंचुअली टर्न हुए थे वहीं आपके कोल में। और इसके साथ साथ फर्स्ट एम्फीबिया इन्वॉल्व हुआ था टू कॉलोनाइज लैंड, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी तक थी, उनको रिप्रोडक्शन के लिए वापिस पानी में जाना पड़ता था। तो फर्स्ट एम्फीबिया इन्वॉल्व हुआ था। अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो कुछ आपका टिपिकल हो जाता है एज ऑफ एम्फीबिया का, क्योंकि यहाँ पर ये दो पीरियड हैं, पहले आपका मिसिपियन आता है बाद में आपका पेंसिल्वेनियन आता है। तो मिसिपियन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि फर्स्ट एम्फीबिया इवॉल्व हुआ था, और पेंसिल्वेनियन में देखा जाए जो इससे नेक्स्ट पीरियड है, जो मैं बात कह रहा था कि नेक्स्ट पीरियड में आके उसकी वो एज बन जाती है। तो एज ऑफ एम्फीबिया जब आप देखते हैं वो पेंसिल्वेनियन है। अगर आपको ऑप्शन में कार्बोनिफेरस पीरियड मिला है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिसिपियन और पेंसिल्वेनियम मिला है तब आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट एम्फीबिया इवॉल्व हुआ है और यहाँ पर उसे हम एज ऑफ एम्फीबिया पीरियड में कहते हैं, वो आपका पेंसिल्वेनियम है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कार्बोनिफेरस से ही, फर्स्ट रेप्टाइल कॉकरोच इवॉल्व। अब ये कहाँ से आ गए, पिछली स्लाइड में जब मैंने कहा था कि जो आपकी फिश है वो अब पानी से बाहर आकर ब्रीथिंग करने लगी है, रिप्रोडक्शन की बात नहीं हुई थी, ब्रीथिंग की बात हुई थी, तो वहीं से पता हमें लगना शुरू हो गया था कि अब रेप्टाइल्स आने वाले हैं, क्योंकि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म आपका सेटल डाउन हो रहा है। तो वहीं था
तो फर्स्ट रेप्टाइल्स कॉकरोच इवॉल्व हुए थे और धीरे धीरे इन्होंने जो रिप्रोडक्शन था वो भी ड्राई लैंड पर स्टार्ट कर दिया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे आपके कि रेप्टाइल कॉकरोच इवॉल्व हुए। ये रेप्टाइल्स का क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट रेप्टाइल कौन से पीरियड में इवॉल्व हुए, एज ऑफ एम्फीबिया क्या है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट क्या है, एज ऑफ फिश क्या है। तो ये आपका मिसिपियन और पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ पर हम देखें तो ये आपका सिक्स्थ पीरियड लिखा था, लेकिन ये आपका सिक्स और ये जो है आपका सेवन्थ पीरियड बन जाता है अगर हम देखें तो ये आपके सात पीरियड्स हो गए। अब एक पीरियड बाकी है, उसमें क्या होगा वो मैं आपको यहीं से ही लिंक दे देता हूँ। उसमें क्या होगा, अर्थ की कंडीशंस चेंज हुई थी, सबको पता है कि टेम्परेचर तो था अर्थ का वो एकदम आपका हाई हुआ था, जिसकी वजह से ये आपका कोल बना था, यही आपका कंडीशंस हुई थी। अब जब टेम्परेचर हाई हुआ तो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उन्होंने सर्वाइवल के लिए क्या किया होगा, ये क्वेश्चन बनता है। और यही आपका लास्ट परमियन और जो प्लांट जिससे मैंने लिंक किया है उसमें हम देखने वाले हैं कि परमियन में प्लांट को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इवोल्यूशन हुई है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेनेगिया को लेकर, तो ये मेजर लैंड मॉसेस कोलाइड हुए थे जब कंडीशंस चेंज हुई थी और सुपर कॉन्टिनेंट बना था, दैट इज़ नोन एज पेनेगिया। ये क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पूछ लिया जाता है जब आपका एंट्रेंस होता है यूनिवर्सिटी के लिए। टेम्परेचर राइज टू एक्सट्रीम, अब प्लांट और एनिमल एडॉप्ट किस तरह से करेंगे। प्लांट में अब भी आप देखेंगे तो आपको वैक्सी लेयर मिल जाती है और एनिमल्स में आप देखेंगे तो लेदरी स्किन मिल जाती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये किस तरह से जो थे आपका मेंटेन कर रहे थे खुद को हाई टेम्परेचर से। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है परमियन में प्लांट को लेकर। अब परमियम ख़त्म कब होएगा या इसको किस नाम से या किस क्वेश्चन का इसका रिलेट बनता है, तो मैंने आपको कहा था जो कैम्ब्रियम पीरियड था वो आपका ट्राइबोलाइट के डोमिनेंट होने से स्टार्ट हुआ था और ख़त्म होगा उसके एक्सटिंक्शन से। तो ये जो परमियन था वो आपका एंड हो गया मास एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइबोलाइट, तो जहाँ से शुरू किया था वो आपका ख़त्म हो गया। तो ये आपकी कहानी रहती है। अब आपको इवेंट्स पता लग गए हैं और आप एक्चुअली पीरियड चुनने में गलती नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली ऑफ दिस पॉइंट IAN। अब ट्रिक को रिवाइज कर देते हैं, इसी से आपका सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्या था, वंदना नाम था, तो वंदना से हमें वेनेडियन मिला था, डेट इज़ नोन एज प्री कैम्ब्रियम और सॉफ्ट बॉडी फोनास और सी लेवल राइज हुआ था। नेक्स्ट केम, डेट इज़ कैम्ब्रियन, यहाँ से क्या हुआ था आपको ट्राई वर्ड दिख रहा है केम ट्राई, तो वहाँ पर ट्राइबोलाइट डोमिनेंट हुए थे। इनवर्टिब्रेट का नंबर आपका बहुत बड़ा था, दैट इज नोन एज कैम्ब्रियम एक्सप्लोजन। और ओरिजिनल फर्स्ट फिश, तो आपको ओडोविशियन का पता लग गया होगा कि फर्स्ट फिश आई थी वहाँ पर। फर्स्ट लैंड प्लांट जो था वो भी आपका ओडोविशियन में ही आया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, एंड इट इज नोन एज एज ऑफ आपका इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट आप जब साइलेंसली पे आए थे तो इसमें क्या हुआ था आपका सिल्वर्सियन में, यहाँ पर आप देखेंगे फिश डेवलप हुई थी और इसे हम एज ऑफ फिशेज हमने कहा था, और यहाँ पर ही आपको फर्स्ट लैंड प्लांट का फोसिल मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे यहाँ से। डेवलपिंग में मैंने बताया था आपका डेवलप हुआ था, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई थी, तो डेवलपिंग में जब हमने देखा था तो यहाँ पर आपका ब्रीथिंग का मैकेनिज्म डेवलप हुआ था और एज ऑफ फिशेस जो था वो हम यहाँ पर देखा था। लैंड एनिमल्स के बारे में हमने सोचना शुरू किया था और आपका फर्स्ट सीड प्लांट डेवलप हुआ था। तो इम्पोर्टेंट आपका ये एक मैं कहूँगा पॉइंट है। कार्बोनिफेरस में देखेंगे आप तो एम्फीबिया डेवलप भी हुए, एम्फीबिया की एज भी आपका इसी में ही आ गई पेंसिल्वेनिया में, और आपके रेप्टाइल्स भी कॉकरोच भी आपके इन्वॉल्व हो गए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और आपका जो कोल प्रोड्यूसिंग आपका जो पीरियड था वो आपका यहीं रहा था मिसिपियन और पेंसिल्वेनिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना ऑप्शन में, आई थिंक आई क्लियर डेट। परमियन आपका लास्ट था जिसमें आपका ट्राइबोलाइट जो था आपके एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर सब कुछ ख़त्म हो गया था। सो
Thanks for watching. I hope you like the video. You can press the subscribe button for your support. Thank you so much and all the best.